नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद मंसूरी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड फरीद में। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन चालू हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश की पूरी प्रक्रिया। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए। उसी से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 8 जून 2021 को राज्य शिक्षा केंद्र से प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क प्रवेश को लेकर एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें विषय है शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं सत्र 2020-21 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। दोस्तों, इस लेटर में आरटीई एडमिशन के संबंध में पूरी जानकारी दे रखी है। दोस्तों, ये लगभग 24 पेज का लेटर है। ये लेटर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको सब जानकारी मिल जाएगी, प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज, प्रवेश के लिए कौन कौन सी पात्रता है और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, और दोस्तों निवास का प्रमाण पत्र कौन सा लगाना है ये आपको मिल जाएगा। उम्र के संबंध में क्या पात्रता होगी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जन्मतिथि के संबंध में कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको आरटीई एडमिशन की इस पूरी समय सारणी मिल जाएगी। 10 जून से लेकर दोस्तों 30 जून तक आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 14 जून से लेकर 1 जुलाई तक जो हमने फॉर्म ऑनलाइन किए हैं उनका जन शिक्षक केंद्र पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। सारी जानकारी आपको इस लेटर में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपको आवेदन का प्रारूप भी इसमें मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सीधा आपको किस प्रकार से फॉर्म ऑनलाइन करना है वो बताता हूँ। दोस्तों, आरटीई में एडमिशन के लिए आपको एक वेब पोर्टल ओपन करना है, जिसकी वेबसाइट है rteportal.mp.gov.in। यहाँ पर दोस्तों आपको लिंक मिलेगी शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत 2021-22 में अशासकीय स्कूलों में प्रवेश। इसके नीचे दोस्तों लिंक है ऑनलाइन आवेदन एवं प्रक्रिया हेतु क्लिक करें। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको आवेदन प्रक्रिया, इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है आवेदन प्रारूप, आवश्यक दस्तावेज प्रक्रिया, इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा। सिंपली आपको इस आवेदन की प्रिंटआउट निकाल लेनी है और इसको पूरा भर के रख लेना है। उसके बाद ही दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन दर्ज करना है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन कैसे दर्ज करेंगे आइए देखते हैं। दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया के नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा आवेदन पंजीयन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी कैपिटल लेटर के अंदर भरनी है। प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी, दोस्तों यहाँ पे आपको बच्चे की समग्र सदस्य आईडी भरनी है जो 9 डिजिट की होती है। दोस्तों जैसे ही आप बच्चे की समग्र आईडी डाल के यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, दोस्तों समग्र आईडी से बहुत सारी जानकारी ऑटोमेटिक इस फॉर्म में फेच हो जाएगी, जैसे कि जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, ग्राम वार्ड और दोस्तों यहाँ पे पिता और माता का नाम। दोस्तों मैं पूरी जानकारी फिल करने के बाद आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी फिल कर दी है। बच्चे के 9 अंकों का समग्र सदस्य आईडी यहाँ पे भर दिया है। प्रवेशार्थी के 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे भरना है। परिवार के 8 अंकों की समग्र फैमिली आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद दोस्तों प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी शहरी ग्रामीण आपको यहाँ से भरना है। उसके बाद दोस्तों आपको जिला जो स्थानीय निकाय है वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद ग्राम पंचायत यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ग्राम वार्ड यहाँ सिलेक्ट करना है, मोहल्ला बसाड़ आपको दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट करना है, मकान नंबर यहाँ पे लिखना है दोस्तों। और दोस्तों ओटीपी हेतु मोबाइल फॉर्म भरते समय मोबाइल अपने पास रखें दोस्तों, इस मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा तो ये मोबाइल आपको पास में रखना है। आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे इसमें डालना है। तो इस प्रकार से आपको 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करने हैं। दोस्तों आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। उसके बाद दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरें। दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम यहाँ पे आएगा समग्र आईडी के अनुसार ऑटोमेटिक। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का उपनाम आपको सरनेम यहाँ पे लिखना है। जन्म प्रमाण पत्र में जो बच्चे की जन्मतिथि है वो यहाँ पे एंट्री करना है दोस्तों आपको। और दोस्तों यहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम आपको वापस यहाँ पे डालना है। जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का उपनाम आपको यहाँ पे वापस से डालना है।
और जन्म तिथि भी आपको यहाँ से डबल एंट्री करनी है। उसके बाद दोस्तों प्रवेशार्थी का लिंक यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी की जाति दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों प्रवेशार्थी का लिंक आपको पुनः प्रविष्ट करना है। प्रवेशार्थी का जाति वर्ग आपको वापस इसमें एंट्री करना है। प्रवेशार्थी के पिता का नाम, उपनाम और दोस्तों पिता की समग्र आईडी आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। माता का नाम आपको यहाँ पे डालना है, माता का उपनाम और माता की समग्र आईडी आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। उसके बाद दोस्तों प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी आरडी कोटा समग्र आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सी श्रेणी में पात्र है। बीपीएल कार्डधारी है, अनुसूचित जाति जनजाति है, वन ग्राम पट्टाधारी है, विमुख जाति है, महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे हैं। प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता दिव्यांग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैटेगरी का है तो आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। और दोस्तों जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जाति प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एचआईवी ग्रस्त हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कोविड 19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु कारण अनाथ बच्चे का विवरण, बच्चे के माता पिता अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है तो दोस्तों इस रेडियो बटन पे आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों कोई भी एक कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और उसमें जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर, डेट और जारीकर्ता का नाम लिखना है। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बीपीएल राशन कार्ड है दोस्तों, 85 नंबर का, इसकी डेट और जारीकर्ता का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु स्कूल का चयन प्राथमिकता क्रम अनुसार करें। ग्राम, वार्ड, पड़ोस, विस्तारित पड़ोस में यदि 3 स्कूल है तो न्यूनतम 3 स्कूल का चयन करना अनिवार्य है। अगर दोस्तों आपके आसपास 3 स्कूल है तो कम से कम आप 3 स्कूल का चयन कर सकते हैं, अधिकतम आप 10 स्कूल का चयन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके आसपास 3 स्कूल नहीं है तो मिनिमम आप 1 स्कूल का चयन भी कर सकते हैं। और दोस्तों प्रवेश हेतु कक्षा का चयन करें। दोस्तों कौन सी कक्षा में प्रवेश लेना है वो आपको यहाँ सिलेक्शन करना है, तो मैंने KG1 सिलेक्ट कर लिया है और डबल यहाँ से KG1 सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों चयनित स्कूल का स्कूल आईडी ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए दोस्तों आपको इसके फॉर्म के ऊपर वापस जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा आवेदक अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों की स्कूल आईडी पता करने के लिए क्लिक करें। दोस्तों कीबोर्ड से आपको कंट्रोल बटन दबा के इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप नई विंडो के ऊपर डिटेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपको इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा फॉर्म का डाटा आपका लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नई विंडो में आपको दोस्तों आपके आसपास कौन कौन से स्कूल आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जिले का चयन करेंगे, यहाँ से स्थानीय निकाय का चयन करेंगे, वर्ड सिलेक्ट करेंगे, दोस्तों यहाँ से ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको ग्राम का सिलेक्शन करना है, कौन सी कक्षा में प्रवेश के लिए आपको कोड ढूंढना है आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं KG1 के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं प्री प्राइमरी KG1 सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और स्कूल की सूची देखिए इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 3 स्कूल मेरे सामने आ गए हैं। अब दोस्तों ये स्कूल आईडी मिल जाएगी आपको यहाँ से, ये आपको उस फॉर्म के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों मैं डाल देता हूँ। आईडी डालने के बाद दोस्तों भाग क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आपके द्वारा चयन किया गया स्कूल सरस्वती ज्ञान मंदिर शामगढ़ डाइंस कोर्ट, उसका पता आ रहा है दोस्तों, इसको ओके कर देना है। और दोस्तों प्रवेशार्थी के निवास से इस स्कूल की दूरी आपको किलोमीटर में लिखनी है, आपके निवास स्थान से स्कूल की दूरी कितनी है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है, प्रवेशार्थी के निवास से इस स्कूल की सीमा का विवरण, स्कूल छात्र के वार्ड ग्राम में है, स्कूल छात्र के ग्राम वार्ड के पड़ोस में है या स्कूल ग्राम के स्कूल छात्र के ग्राम वार्ड के विस्तारित पड़ोस में है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अतिरिक्त विकल्प जोड़ें, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको और स्कूल ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया है जोड़ने के लिए, मैं एक और डाल देता हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों आपको कम से कम 3 स्कूल का चयन करना है और अधिकतम आप 10 स्कूल चयन कर सकते हैं। 3 स्कूल से कम है तो आप 1 स्कूल ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और जोड़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है इसमें आवेदन सत्यापन हेतु अपने निकटतम जन शिक्षा केंद्र को चुनें। दोस्तों आवेदन ऑनलाइन होने के बाद इसके प्रिंट आउट निकाल के आपको इसका वेरिफिकेशन कराना होगा तो आपको जन शिक्षा केंद्र पे जाना होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन से जन शिक्षा केंद्र पे आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे।
दोस्तों मैं यहाँ पे जिला चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ब्लॉक चेंज करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जन शिक्षा केंद्र का सिलेक्शन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों एडमिशन कोटा आरक्षित समूह से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। दोस्तों जिस श्रेणी में भी आप पात्र हैं उस श्रेणी का लीगल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी अधिकतम साइज 500 के भी होनी चाहिए। तो मैं ऐसे सिलेक्शन करके अपलोड कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे बच्चे की फोटो आपको अपलोड करनी है जो मिनिमम 100 के बी के अंतर्गत होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको स्कूल विकल्प सेव करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आपके द्वारा चुने गए विकल्पों का चयन कर लिया गया है, कृपया फोटो तथा एडमिशन कोटा संबंधित दस्तावेज अपलोड करने उपरांत आवेदन को सेव करें। तो आपको इसको ओके कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको QR कोड डालना है। और दोस्तों मेरा आवेदन एवं मेरे द्वारा भरे गए स्कूलों के विकल्पों की प्रविष्टि सेव एवं पावती प्रिंट करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका आवेदन सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक आवेदन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वापस से RTA पोर्टल के ऊपर जाना है, OTP से आवेदन का सत्यापन वेरीफाई कर लॉक करें, इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन ID डालनी है, जो हमने फॉर्म भरा था उसकी ID आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जन्म तिथि डालनी है, और आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, और मोबाइल पर OTP प्राप्त करने तो क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उसके ऊपर OTP जाएगा, वो OTP इसमें डाल देना है तो आपका आवेदन लॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों जो आवेदन आपने भरा है उसकी आपको 2 प्रिंटआउट निकालनी है, साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट आपने उसमें एंट्री किए हैं सभी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी लेके, और अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो आपने उसमें एंट्री किया था वो लेकर आपको जन शिक्षा केंद्र में जाना है। जन शिक्षा केंद्र की जानकारी कैसे देखेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। आपको वापस RTE वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर आवेदन सत्यापन हेतु अपने निकटतम जन शिक्षा केंद्र देखें, इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ से आपको जिला सिलेक्ट करना है, और दोस्तों यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट करना है, और यहाँ से जन शिक्षा केंद्रों की ब्लॉक वार सूची देखें, इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने भरा था शामगढ़ वाला गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शामगढ़ आ रहा है। सिंपली दोस्तों आपको वेबसाइट पर जाने के लिए क्लिक करें, इसके ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों आपका जन शिक्षा केंद्र ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों RTI प्रवेश मेंटर शिक्षक व आवेदन सत्यापनकर्ता अधिकारी की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट सत्यापन करेंगे उसका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल ID और पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आप इनसे संपर्क करके अपने RTA का फॉर्म सत्यापन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी RTA के तहत प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क प्रवेश की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कीजिए। आपकी कोई समस्या या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।